विश्व भर में हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। वहीं गांधीनगर पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस को लेकर विशेष आयोजन किया गया, साथ ही उत्साह पूर्वक इस दिन को मनाया गया। सुबह प्रार्थना सभा में छात्रा अध्या गुप्ता ने पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में कविता सुनाकर सभी को प्रभावित किया। इस अवसर पर स्कूल में वृक्षारोपण भी कराया गया और समाज को जागरूक करने और अपनी मातृभूमि से प्यार करने के लिए 9 यूपी गर्ल्स बटालियन गांधीनगर पब्लिक स्कूल के कैडेट्स के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य शशि शर्मा के कर कमलों द्वारा हरित ध्वजा फहराने के साथ हुआ। आपको बता दें कि रैली का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस दौरान कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने स्वनिर्मित पोस्टर और स्लोगन द्वारा जल प्रदूषण को कम करने और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संदेश दिया। प्रार्थना सभा में स्कूल की चीफ वार्डन नाना गुप्ता ने बच्चों को प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन के प्रयोग से बचने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने प्रार्थना स्थल पर पृथ्वी दिवस की महत्ता को बच्चों को बताते हुए जागरूक किया और समाज में संदेश को फैलाने की प्रेरणा दी। तो वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। नेहा गुप्ता, विभोर भटनागर, कल्पना गुप्ता, देवराज त्यागी आदि के दौरान विशेष सहयोग रहा।